हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। एंड नोकिया ने अपना नोकिया 6.1 प्लस के लिए एंड्रॉइड पाई का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है और नोकिया ने ऑफिशियली इसको रिलीज किया है 9th of October को और मैंने इसमें इंस्टॉल भी कर लिया है एंड लिटरली एंड्रॉइड पाई के साथ रिव्यू करना होगा ऐसा और अनारकली के साथ सलीम जैसा। वाह बेटे, तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार बांधो सीट बेल्ट और चक दो फटे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा इसका रिव्यू कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए एंड्रॉइड पाई डालने के बाद एंड उसके बाद आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरीके से आप बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं ओटी अपडेट के थ्रू। तो सबसे पहले आते हैं यूजर इंटरफेस पर। तो यूजर इंटरफेस इसका पूरा चेंज हो चुका है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर आपने गूगल पिक्सल डिवाइस यूज किया है तो सेम एज इट इज आपको वही सेम कुछ आपको नोकिया 6.1 प्लस में मिलने वाला है। जो नोटिफिकेशन बार है वो बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है, मतलब एक एक चीज़ इसमें चेंज हो चुकी है। सेटिंग्स में जाते हैं वहाँ भी आपको सब कुछ चेंज मिलेगा, आइकन्स चेंज हो चुके हैं। साथ ही साथ इसमें आपको थीम ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन बार का कलर चेंज करना चाहते हैं यानी कि आप लाइट या डार्क करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है तो वो आपके वॉलपेपर के थ्रू वहाँ पे चेंज कर देता है कलर को। अगर आपका वॉलपेपर डार्क है तो आपको डार्क थीम मिल जाएगी, अदरवाइज अगर लाइट है तो आपको लाइट थीम मिल जाएगी। तो बहुत बेस्ट फीचर इसमें देखने को मिला है और यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है। तो जो दूसरा और कूल फीचर यहाँ निकल के आता है वो है स्वाइप फिंगरप्रिंट। तो स्वाइप फिंगरप्रिंट आपको अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, वहाँ पे आप स्वाइप सर्च करेंगे एंड आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे एंड अनेबल करेंगे तो जस्ट आपको फिंगरप्रिंट पे जैसे ही ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना नोटिफिकेशन ट्रे को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो तीसरा कूल एंड इंटरेस्टिंग फीचर है उसके लिए लास्ट रिव्यू में काफी सारे आपने कमेंट किए थे, तो अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने कमेंट में लिखा था कि नेविगेशन बार को कोई हाइड करने का ऑप्शन या फिर स्वाइप से कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो एंड्रॉइड ओरियो में नहीं था लेकिन एंड्रॉइड पाई में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये फीचर आपको सेटिंग्स में जाके सर्च करना होगा स्वाइप के नाम से, तो आपको वहाँ पे स्वाइप ऑन होम बटन मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो जो आपके नेविगेशन कीज हैं वो सब हाइड हो जाएंगी, सिर्फ आपको होम बटन पे एक बार दिखाई देगा। तो इस होम बटन पे पॉइंट या फिर बार जो भी आप कहना चाहें, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी रिसेंट ऐप ट्रे खुल जाएगी। अगर डबल स्वाइप करेंगे तो आपकी ऐप्स खुल जाएंगी और अगर आप लॉन्ग स्वाइप करते हैं तो आपकी ऐप्स डायरेक्टली खुल जाती है और बैक का ऑप्शन वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। जैसे आप अगेन होम स्क्रीन पे आते हैं तो सारी कीज हाइड हो जाती है, ओनली आपको होम बार ही दिखाई देगा। तो जो फोर्थ फीचर ऐड किया गया है उसके लिए 50% से ज्यादा कमेंट आए थे रिव्यू वाले वीडियो पर कि किस तरीके से हम वीडियो को फुल स्क्रीन पे प्ले कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड ओरियो में नहीं था, जो नोच वाला पार्ट था वो बच जाता था, लेकिन एंड्रॉइड पाई में आपको फुल स्क्रीन वीडियो प्लेबैक मिलेगा और ये बड़ा गजब लग रहा है। लिटरली इस डिवाइस में चार चांद लग चुके हैं और बड़ा मजा आया देख के कि यार जब फुल स्क्रीन का यूज होता है तो एकदम धांसू फील आती है। अब जो फिफ्थ चेंज आपको यहाँ दिखाई देगा वो कैमरा इंटरफेस में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक बग भी दिखाई देगा, जो नोच वाला पार्ट है उससे जस्ट थोड़ा नीचे भी जो स्पेस है वो खाली पड़ा है, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये एक बग है। तो अब आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको वहाँ पर बीटा अपडेट के लिए रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो स्क्रीनशॉट वहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड देन आपको डिटेल्स भरनी है कि क्या क्या इशू यहाँ पे आ रहा है और कैसे आ रहा है एंड सबमिट कर देना है। तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जो फाइनल अपडेट आएगा इस मंथ के लास्ट में वो पूरा स्टेबल आएगा और इसमें आपका ही फायदा है अगर आप बार बार रिपोर्ट करेंगे जो बग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर गूगल कैमरा की बात करें तो गूगल कैमरा का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉइड पाई पर तो ये और ज़्यादा फास्ट और रिलायबल काम कर रहा है, मतलब आपको मजा आ जाएगा गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद, बहुत गजब फील आ रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐप के साथ क्रैशेज का या कुछ भी इशू नहीं आ रहा है, तो गूगल कैमरा भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जो सिक्स फीचर यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है वो है फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर यानी कि फेस अनलॉक। एंड्रॉइड ओरियो में आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर ऑन करने के बाद भी मैन्युअली स्वाइप करना होता था स्क्रीन को, लेकिन एंड्रॉइड पाई में यहाँ डायरेक्टली स्क्रीन ऑन हो जाती है और ये बहुत रिलायबल हो चुका है और बहुत फास्ट काम करता है। और कल करे सो आज कर सो अब पल में पढ़ ले होएगी, सब्सक्राइब करेगा कब, कर दे यार। तो एंड्रॉइड पाई इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है नोकिया लैब्स। तो जो पहली सर्च में आपको नोकिया लैब्स का ऑप्शन आएगा यानी कि नोकिया की वेबसाइट, उसको ओपन कर लेना है। जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन टू गेट स्टार्टेड, वहाँ पे आप जाके फेसबुक या गूगल के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद पेज लोड हो जाएगा एंड देन आपको नोकिया 6.1 प्लस के बीटा अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी जैसे IMEI नंबर। दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे करियर डालना है, करियर से मेरा मतलब है नेटवर्क जो आपका ऑपरेटर होगा
वोडाफोन इन या फिर आइडिया जियो, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालना है। एंड देन आपको लोकेशन डालनी है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया ही डालेंगे। एंड देन आई एग्री विद द टर्म्स टिक करके रजिस्टर फॉर बीटा लैब्स पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको अपने पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका डिवाइस वेरीफाइड हो चुका है इस IMEI के साथ इस करियर पर। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट द बीटा सॉफ्टवेयर ओवर द एयर, तो इस पर जस्ट आपको एक बार टैप करना है। टैप करते ही आपका ये वैलिडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जाएंगे आप सिस्टम, सिस्टम के बाद सिस्टम अपडेट, और वहाँ पे आप जैसे ही एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको वहाँ पे OTA अपडेट मिल जाएगा, और ये अराउंड 1200 MB का है। जस्ट आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन को अराउंड 5 मिनट लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और एंड्रॉयड पाई नोकिया पर मजा आएगा था भाई। सो ये था ओवरऑल रिव्यू एंड्रॉयड पाई का नोकिया 6.1 प्लस पर, और साथ ही साथ मैंने आपको ट्यूटोरियल भी दिया। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।